हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर एंड्रयास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के सब्जेक्ट पे अपन चल रहे हैं, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। और अभी भी हमारे बुक का जो ऑफर है वो लाइव है, वो आप परचेस कर सकते हैं, ई बुक आपको डिलीवर हो जाएंगी। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं हमारी प्रोवाइडेड ई बुक्स, वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट 3500 प्लस स्टूडेंट तक ये ई बुक बाय कर चुके हैं, तो काफ़ी उनके लिए फ्रूटफुल रही, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले। उन सब के साथ हम अगले सेशन में हार्ड कॉपी भी लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर आपको बाय करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बाय कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन अब देख लेते हैं कौन सा है। 10th क्वेश्चन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये अपन ने एक एक्सेप्शन के रूल के अंदर देखा था, कि एक्सेप्शन वाले रूल बताए थे ना मैंने, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें कंसिडरेशन का मतलब ये भी कभी अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने कहा था इसको एक बार और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, क्वासी का नाम सुन के बच्चे छोड़ाते हैं कि सर ये क्या है, या मैं ऐसे समझा देंगे आपको, चिंता मत करो, बहुत आराम से लिख के आओगे। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन इज द बेनिफिट और वैल्यू दैट ईच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट गिव अ प्रॉमिस टू गिव टू अदर पार्टी, यानी कि ईच पार्टी ए प्रतिफल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले में ए ने बी को कार दी और बी ने उसके बदले में 50,000 रुपये दिया, वो पिंटू चिंटू वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा। एसेंशियल होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज ऑफ द लॉ जो वैलिड है। वैलिड और वॉइड अलग होते हैं और वॉइडेबल अलग होते हैं। बिजनेस लॉ की क्लास नहीं, वरना ये और डिटेल में पढ़ते, केवल वैलिड और इनवैलिड समझ लो अभी। इनवैलिड को ही वॉइड कहते हैं, जैसे कि इलीगल काइंड ऑफ एग्रीमेंट हो गए वो इनवैलिड कहलाते हैं। वैलिड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट हो गए जो यूजुअली आपको मान्य होते हैं, मीन्स कि इनके ऊपर केस किया जा सकता है। तो वैलिड एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? कंसिडरेशन जरूरी है, यानी कि प्रतिफल होना जरूरी है। बार्गेनिंग इसी के बेस पे होती है, भैया 40 रुपये नहीं 30 रुपये, चलो 38 नहीं 35, चलो 37, चलो 36 में डील करते हैं। तो बार्गेनिंग किसके बेस पे होती है? कंसिडरेशन के। और एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू, एक्सचेंज हो रही है बेसिकली, एक्सचेंज के काम में आती है। कंसिडरेशन मस्ट बी एक्सचेंज, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाएगा ही जाएगा। तो क्या है कंसिडरेशन का बेसिक मीनिंग आपको याद हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बिना हो नहीं सकता, बेसिक ऑफ बार्गेनिंग होता है और एक्सचेंज की वैल्यू होती है। एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉफिस, अब कंसिडरेशन इज द रीज़न वाई प्रोमिस मेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीगली। कंसिडरेशन के कारण ही आप प्रोमिस करते हैं, है ना, कि मैं आपको इतने रुपये चुकाऊंगा, वरना प्रोमिस किया वो प्रोमिस केवल कि मैं आऊँगा उस दिन, वो वाला प्रोमिस नहीं कहलाएगा, मीन्स के कंसिडरेशन होगा तभी लीगली बाइंड कहलाता है। अब एक्सेप्शंस कहाँ आ जाते हैं? एक्सेप्शंस वहाँ आ जाते हैं जब हमको चैरिटी करनी हो, जब हमको कोई गिफ्ट देना हो, या हम हमारे रिलेटिव्स को या हमारे क्लोजली एसोसिएट पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रू, बट देर इज अ सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपन ने अगले वाले वीडियो में भी देखा था, और यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि क्लोजली रिलेटेड पर्सन हो, रिलेटिव पर्सन हो, एसोसिएट पर्सन हो, या मैं गिफ्ट कर रहा हूँ या मैं चैरिटी दे रहा हूँ, तब हमको कंसिडरेशन ना भी हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। ठीक है, और लीगली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल इज वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल के ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई पॉइंट में छूट तो नहीं गया? डीड्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट हो गए, और ठीक है, ये सीधा सीधा पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट इसके अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आप इस तरीके से समझिए, ये स्वतः हो जाते हैं, स्वतः यानी कि इनहेरेंटली, मीन्स के ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कहीं पे साइन नहीं करे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसी कोर्स ऑफ एक्शन से, जो भले नेचर के थ्रू भी हो या आपके द्वारा भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइंड हो जाते हैं और आप ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य हो जाते हो। जैसे कि लीगली आप एक्सेप्ट हो जाते हो, जैसे कि कोई बंदा आपकी दुकान पे आया और वो कुछ सामान आपके पास छोड़ के चला गया, तो आप लीगली बाइंड हो गए, मतलब वो गलती से भूल गया था वहाँ पे, आप जान करके नहीं छोड़ा। इसको इस तरीके से समझें, मिस्टर पिंटू एक दुकान पे गए, मिस्टर पिंटू एक शॉप पे गए और वहाँ पर अपनी कार की लेफ्ट कर गए। कार तो उनको बेचनी थी, अभी अभी उन्हीं के पास ही है ना, कार की
लेफ्ट कर गए, तो ये शॉप का जो ओनर है ये बाउंड हो चुका है कि इनको कार की रिटर्न करेगा। इसी को ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, इसी को ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये इनहेरेंट हो जाते हैं। सेकंड आपके एग्जांपल में देता हूँ, बस में आप सबने कभी ना कभी तो सफ़र किया होगा, सभी मेरी तरह सामान्य घर से रहे होंगे, बहुत से लोग कार वाले भी रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने कभी बस में सफ़र नहीं किया। लेकिन अगर हम रोडवेज की बस में बैठे हैं या हम जहाँ से डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ से अगर हम बैठते हैं, मीन्स कि अगर जहाँ से डिपार्चर हो रही है बस, डेस्टिनेशन या डिपार्चर के दोनों में से कहीं पर भी अपन नहीं बैठ रहे हैं, अपन तो मिड पॉइंट में कहीं पर बैठ गए, यानी चलती गाड़ी को हाथ दिया, उसने रोका, अपन बैठ गए या खड़े हैं उस बस के अंदर, जैसे ही अपन इस अंदर गए बस के, वैसे ही आप लीगली बाइंड हो गए कि आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक आप उस बस कंडक्टर को टिकट का पेमेंट करेंगे। आप लीगली बाइंड हो गए, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने एक्सेप्टेंस नहीं दी, इसने मुझे ऑफर नहीं दिया, है ना, या मेरे को नॉलेज नहीं है कि बस में चढ़ जाने से हमको टिकट लेना पड़ता है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, यानी कि अगर आपको कानून नहीं पता तो ये कोई बहाना नहीं है। समझ में आ गया। तो जैसे ही आप बस के, आपने जैसे ही कदम रखा, वैसे ही आपके और ड्राइवर के बीच में, कंडक्टर और आपके बीच में, या उस इनकॉर्पोरेशन जो है जिसका बस का ऑनर है उसके और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस तक के बस का किराया देंगे, उस सर्विसेज का किराया देंगे। इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो किसी कोर्स ऑफ एक्शन से विदाउट एनी अप्रूवल ये साइंड हो जाता है, ठीक है। द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली कंसेप्टेड को यूज्ड बाय प्रिवेंट अनजस्टिस अनरिचमेंट व्हेन देयर इज अ नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। अनजस्टिस नहीं हो, कल उठ के कोई कह दे कि मैं तो ऐसे ही चढ़ा था मस्ती से घूमने, मुझे क्या पता है कि पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इट इम्पोज ऑब्लिगेशन टू अ पार्टी हु रिसीव द बेनिफिट फ्रॉम द अनदर विदाउट एग्रीमेंट। आपने विदाउट एग्रीमेंट कोई बेनिफिट रिसीव करा है, अगर आपने रिसीव करा है तो अनजस्टिस नहीं हो सामने वाली पार्टी के साथ, इसलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। अब इनकी कौन कौन सी कैटेगरी है, देखिए, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, नेसेसिटी की सप्लाई करना, मींस कि आप मान सकते हैं कि नेसेसिटी अब उस समय दवाओं की भी कह सकते हो, नेसेसिटी कुछ भी हो सकती है उस समय, ठीक है। अगर आपने कभी नेसेसिटी के लिए किसी की, किसी ने आपकी हेल्प कर दी कि मान लीजिए, तो आप उसको उस समय कुछ पेमेंट करने के लिए आवश्यक हो गए, लाइक कि आपका कोई बैग खो गया था और उसको अगर किसी ने ढूंढ के दे दिया तो आप उसको हो सकता है कि कुछ प्रतिफल दें और ना दें, वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन उसको बैग लौटाना ही है, ये आपका पॉइंट हो गया। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। लाइबिलिटी पे फॉर नॉन ग्रोशियंस एक्ट, फाइंडर ऑफ द गुड्स, मिस्टेक हो गई तो उसमें भी आपको कंसिडरेशन देना ही होता है। ये ही सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहाँ पर आपका कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो जाता है जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट स्वतः ही हो गया, मतलब नेचुरल एक्ट से ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक मैंने आपको बस के एग्जाम्पल से समझा दिया, एक लॉस एंड फाइंड के एग्जाम्पल से समझा दिया, कोई मिस्टेक हो गई, मान लो कि कोई गाड़ी चल रही थी, अब वो गाड़ी चल रही थी तो पीछे से गाड़ी हिट हो गई, अब हिट हो गई तो सामने वाला क्या बोलता है, सर पैसे निकालो, तो अपन क्या बोलेंगे, भैया किस बात के, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मिस्टेक आपकी हुई है ना, आपने, अब वो तो यार कोर्ट के, इन द आईज ऑफ द कोर्ट चेक करता है कि कौन सी किसकी मिस्टेक है, लेकिन यूजुअली पेमेंट करने के लिए आप बाउंड हो चुके हो क्योंकि आपसे वो मिस्टेक हुई। हम किसी शॉप पर गए और वहाँ पर हमसे कुछ चीज़ जो है वो टूट गई, तो हम बाउंड हो गए वो पेमेंट करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ना कोई एग्रीमेंट करा, ना कोई किसी ने ऑफर दिया, ना हमने एक्सेप्टेंस करा, ना कंसिडरेशन की बात हुई, क्लियर है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये आ जाता है एग्जाम में और बच्चे इसको एकदम परेशान हो जाते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके भी जरूर बता देना। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।